अब मेरे जाने का वक्त आ गया है बेटे। पिताजी ऐसा न कहिए पिताजी। हाँ बेटे, मेरे बाद इन दोनों बच्चों का पूरा ख्याल रखना। अपने भाई तू जिनका, इन बच्चों पर साया मत पड़ने देना। मैंने अपनी वसीयत में अपनी सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दी है। ये लो मान सिंह, इसे पढ़कर सुना दो। मैं ठाकुर सुरजीत सिंह वल्द ठाकुर जसबीर सिंह अपने होशो हवास कायम रखते हुए ये वसीयत करता हूं कि मेरी मौत के बाद मेरी सारी जायदाद और तहखाने में छुपे हुए करोड़ों के खजाने का मालिक सिर्फ मेरा बड़ा लड़का ठाकुर रघुवीर सिंह होगा। मेरा छोटा बेटा दुर्जन, जिसे अपना बेटा कहते हुए भी मुझे शर्म सी आती है, और जो जादू टोना और काले इल्म की खोज में अपने आप को भी खो बैठा है, मैं उसे अपनी हर जायदाद से बेदखल करता हूं। तुम मुझे क्या बेदखल करोगे बुड्ढे? मौत खुद तुम्हें दुनिया से बेदखल कर रही है। जलील कमीने बेहया, तुम्हारी ये हिम्मत, निकल जाए यहां से। जाता हूं, लेकिन याद रख रघुवीर, मैं तुझे अकेले ये सारी जायदाद हड़पने नहीं दूंगा। और मरने से पहले तू भी सुन ले बुड्ढे, कि जिस जादू टोना और काले इल्म से डर कर तू मुझे सारी जायदाद से लग कर रहा है, उसी जादू टोना और काले इल्म के जोर पर मैं तेरी सारी जायदाद का अकेला मालिक बनूंगा। कमबख्त, कमजोर, निकल जाए यहां से, मैं कहता हूं निकल जाए यहां से। पिताजी, पिताजी, हजारों साल तक
जमीन की गोद में सोने के बाद भी ये जिस्म आज तक जाग रहा है। सरदार, किसकी है ये लाश? ये लाश नहीं, पदी के मिट्टी से बने हुए उस शैतान देवता का जिस्म है। वक्त ने जिसने रूह तो छीन ली, लेकिन जिस्म नहीं छीन सका। किसी के पाक बदन से टपके हुए खून की बलि इसे फिर से नई जिंदगी दे सकती है। वो बलि मैं इसे दूंगा, ठाकुर रघुवीर सिंह के दोनों बच्चों के खून की बलि। रघुवीर मेरे दोस्त, ये क्या हुआ रे? वह रामजादा दुर्जन, उसने और उसके आदमियों ने हम लोगों पर हमला किया और मालिक को छल्ली छल्ली कर दिया और उनकी दोनों बेटियों को उठाकर ले गया। क्या मंगल, इन्हें फौरन अंदर ले चलो। नहीं दोस्त, अब कोई फायदा नहीं, मेरे जाने का वक्त आ गया है। रघुवीर मेरे दोस्त, रघुवीर मान सिंह वो शैतान दुर्जन मेरी दोनों बच्चियों को उठाकर ले गया है। वो उनकी बलि चढ़ा रहा है। लेकिन क्यों? वो हरामजादा काली गुफा में छिपे बेशुमार खजाने को हड़पना चाहता है और उस खजाने का नक्शा चाहता है। वो खजाना हमारे पुरखों का है मान सिंह। क्या है ये? ये है उस खजाने का नक्शा, लेकिन आधा, बाकी का आधा मेरी बड़ी लड़की के गले में है। मान सिंह रघुवीर। मुझे सदा बहार जवानी और लंबी उम्र अता फरमा। मैं इन कमसिन बच्चों की भेंट तेरे कदमों में चाहता हूं ताकि इनकी बाकी उम्र मुझे हासिल हो, जिंदगी मेरे कदम चूमे और मौत मेरे साए से भी दूर रहे। गुफा के तहखाने में गुफा के तहखाने में
मंगल मंगल मंगल, दूसरी बच्ची कहां है? मैं छोटी को ही बचा सका मान सिंह, लेकिन बड़ी बेटी जंगल में कहीं खो गई। मैं उसे नहीं ढूंढ सका, उसे नहीं ढूंढ सका। तो यही है तेरा वो शैतान देवता जिसको तू जिंदगी भर पूछता रहा, और इस नापाक लाश पर न जाने कितने मासूम इंसानों की बलि चढ़ा चुका। ये नापाक लाश नहीं, अंधेरों का सम्राट है मानसिंह। ये वो गैबी ताकत है जिसे आज से हजारों साल पहले तुम्हारे जैसे कई ठाकुरों ने मिटाने की कोशिश की, लेकिन बलि की मिट्टी का बना हुआ ये देवता कभी खत्म नहीं होगा, कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, तो फिर इन्हीं अंधेरों में बैठकर तुम इसकी पूजा करते रहो। तय खाने की गहराइयों में तू सूरज की एक एक किरण को तरस जाएगा, तेरा जिस्म बाहर की ताजा हवा के झोंकों से महरूम रहेगा, भूख और प्यास से घुट घुट कर यही तेरी मौत होगी। मेरी मौत मेरे इस देवता की जिंदगी होगी मानसिंह, लेकिन याद रख, जो खजाना मैं नहीं हासिल कर सका उसे दूसरा कोई नहीं पा सकेगा, नहीं पा सकेगा। ले जाओ इसे, चलो। मानसिंह, एक बात याद रखना मानसिंह, खजाने की तलाश में जो भी इस तहखाने में कदम रखेगा, मेरा देवता उसके लिए बहुत